लहरा के बखा के तू दुनिया भुला के नाच, धन कोई गुनगुना ले गाले तू गा के नाच, रंगीनियों में खो जा पी के पिला के नाच, पग भर नैनों से तू नैना मिला के नाच। फिर से उड़ चला उड़ के छोड़ा है जहान, नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब तू यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है, इस गड्ढे की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, तो हमें पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। तो गाइज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो अभी हम आए, अभी हमने अपने घर बनवाने को दिया था तो उसको देखने आए कितना रेडी हो गया है वो। ये आनंदीका सिटी में है और ये हरिद्वार रोड पे पड़ेगा आपको। चलो चलो लॉक्ड क्या देखना है तुम? वो चाबी पूछो उनसे, बार बार से देखना। चाबी उनसे पूछो मम्मी कहाँ है वो। हाँ वो है तो सही उधर मजदूर। हाँ उनसे ही पूछो। चलो खिड़की में, खिड़की में से ही देखना पड़ेगा, खिड़की में से ही देखना पड़ेगा। कहाँ पे चलें? हम छत पे चलते हैं। दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव, एक से लोग एक से नाम। तो गाइज अभी हम अपने घर की छत पर हैं। ये घर जो है अभी तो बनने के लिए रेडी नहीं है, एक महीने लग जाएगा लगभग रेडी होने में। तो इस घर को ना वैसे हम रेंट पे चढ़ाएंगे, अगर आपको इसे रेंट पे लेना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो ये आनंदीका सिटी है, इस सिटी के सामने एक क्रिस्टल वर्ल्ड है और यहाँ से आपको ज़्यादा मॉल वॉल और KFC मैकडोनल्ड्स यहाँ बहुत पास हैं इसके, अगर आपको लेना हो तो रेंट पे आप बता सकते हैं। जो रेलिंग है वो भी हमने अलग से लगवाई है इसमें, वरना तो ये आपको लोहे वाली दे रहे थे। और ये इसके बराबर में है, इससे बहुत अलग है ये, क्योंकि इसमें हमने और अपनी तरफ से डेवलपमेंट करवाया है। नानी चाबी ना मिली इसकी? फिर इसकी चाबी अंदर। कितने कमरे हैं इसमें? फिर कमरे दो हैं, दो कमरे और लैट्रिन बाथरूम है और लॉबी है, किचन है। सही है, अंदर ही। चलो चलते हैं फिर, आ जाओ। सही है। तो अब चलते हैं यहाँ से, पतंजलि पास में ही है। तो यहाँ से पतंजलि भी पास है, KFC मैकडोनल्ड और क्रिस्टल वर्ल्ड भी यहीं पे बहुत पास है। बढ़िया है यहाँ पे, अगर जो भी रहेगा रेंट पे तो मज़े आ जाएंगे उसके। आगे लगभग हमें 5 मिनट या 10 मिनट लगी होंगी उस घर से यहाँ आने में, यहाँ से भी पास है। आगे हम पतंजलि स्टोर आपको दिखाएंगे कैसा है ये, तो देखने के लिए बनी रहिए हमारी वीडियो में। ये रहे अंकल आमले तोड़ रहे हैं, आमले के पेड़ से सब नीचे तो चढ़े हुए हैं ऊपर, अंदर बाद में जाएंगे।
पहले कुछ खा लेते हैं। यहाँ से बाहर बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ पर ये रहा अन्नपूर्ण, चलते हैं कुछ खाने। तो पहले अभी कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद आपको दिखाएंगे। ये आ गई थाली, सनी खा रहा है। और यहाँ पे साहब सनी प्योर है, बिल्कुल सनी बिल्कुल प्योर है। यहाँ खा खाना बिल्कुल पतंजलि का कैसा लगा। हमारा खाना हो चुका है, हम सब ने खाना खा लिया है। तो फिर अब हम इसके अंदर चलते हैं घूमने। यहाँ से हम अंदर आए थे, ये रहा यहाँ का मेगा स्टोर। और वहाँ जाएंगे तो इस मेगा स्टोर में देखते हैं कुछ मिल जाए हमें। बियर सब साड़ीज हैं, सूट हैं। ये तो लड़कियों का ये वैसी कलर जैसे तूने पहन रखा है। आप जींस को देख सकते हैं, रामदेव बाबा पहले कहते थे कि जींस विंस क्या पहनते हो, सिंपल अपने कपड़े पहनो, अब खुद ही जींस बेच रहे हैं वो। ये रामदेव बाबा का ये सब कुछ बना हुआ पतंजलि। ये मिठू क्या खरीद रहे हो आप, बस देख रहे हो ना, साड़ी खरीदी। तो डेकोरेशन भी बढ़िया हो रही है यहाँ पे, ये पट रहे हैं। ये देखो शिव जी जी की चप्पल। ये क्या सामने जो ग्रीन रखा है, आठ हजार चार हजार। और विंटर स्वेटर बाय वन गेट टू फ्री। यहाँ पे आपको पूरी वैरायटी पतंजलि की दिखेगी, हर कंपनी पतंजलि। आप ये देखिए पिस्ता, ये भी पतंजलि का, हर चीज पतंजलि की। ये जैम पतंजलि, सारे बिस्किट्स पतंजलि, हर पतंजलि के। मिट्टू देख पतंजलि की फ्रूटी। ये नीम का फेस वॉश है, ये आंवले का है, ये रोज का है। यहाँ पे शैम्पू एलोवेरा शैम्पू कितने का है, बहुत गंदा, 85 रुपए का महंगा। यहाँ जाता हूँ सैनिटाइजर जड़ी बूटी बनाने की हर चीज दिखेगी आपको। इसमें हर्ट प्लांट्स के बारे में बता रहा है, कितना बड़ा है ना ये जड़ी बूटी पीसने का। हाँ तो इसे खोलने का क्या फायदा। बर्तन धोने का ये सुपर, पूजा करने के लिए आपकी चंपा की हेल्थ फूड, होली के लिए गुलाल पतंजलि का, इसे खरीदो फिर है ना, प्योर बिल्कुल पशु आहार। इसमें कितनी बड़ी बड़ी बाल्टी रखी है, ये बाल्टी एक साल में नहाने के लिए पूरी। ये हल्की है पर यहाँ पे ए टू जेड ऑल वैरायटी आपको मिलेंगी, ए टू जेड खाने से लेके पीने तक सब कुछ, वो भी पतंजलि का सिर्फ। तो बाहर
चलते हैं। गाइस मुझे वहाँ से मटर मिली थी, फ्रिज था छोटा सा वहाँ पे, उसमें से ऐसी मटर पड़ी हुई थी, मैंने उठा के ले आया। खा तो ले जा, फेंक क्यों रहा है? बेकार है ये, ठंडी है बिल्कुल। ये है आपकी मूर्ति गुरुजी महिट्स फोर्ट। हम इसके अंदर गए थे, वो वहाँ पे वो लोग रहते हैं जो यहाँ सन्यास टाइप से ले लेते हैं ना, तो वो लोग वहाँ रहते हैं। और ये रही हमारी कार, मेरी नानी और मम्मी। अब यहाँ से बाहर चलते हैं। दोस्तों हम अपने घर आ गए हैं, अब लगभग 3 घंटे लगे घूमने में, ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो आई होप आपको पतंजलि पसंद आया होगा, कमेंट में बताना कैसा लगा।